लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सैफ अली खान का नाम बॉलीवुड के उन एक्टर्स में शुमार है जिन्होंने दो शादियां की हैं। पहली बार जब सैफ अली खान ने अमृता सिंह के साथ शादी की तो उनके इस फैसले से घर वाले बेहद नाराज थे। अमृता सिंह सैफ से 12 साल बड़ी थी, लेकिन कहते हैं न कि प्यार उम्र कहाँ देखता है। सैफ और अमृता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इस बात की खबर जब दोनों के परिवार वाले को हुई तो वे इस रिश्ते को करने से साफ मना कर दिया। उन दिनों सैफ अली खान फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए स्ट्रगल किया करते थे, जबकि अमृता सिंह बॉलीवुड में टॉप की एक ट्रेस मानी जाती थी। अक्टूबर 1991 में सैफ अली खान ने अमृता सिंह से लव मैरिज कर सभी को चौंका दिया। इस तरह सैफ अली खान ने अपने से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी कर उन्हें अपना बेगम बना लिया। सैफ और अमृता सिंह की शादी में कई दिग्गज शामिल हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब सैफ ने अमृता से शादी की थी तो उस समय करीना की उम्र महज 10 साल थी। सैफ और अमृता की शादी में करीना भी मेहमान बनकर पहुंची थी। करीना ने सैफ को शादी की बधाई देते हुए कहा था, मुबारक हो सैफ अंकल। तब सैफ ने रिप्लाई करते हुए कहा था, थैंक यू बेटा। यही करीना आज सैफ की पत्नी है और इनका एक बेटा भी है। सूत्रों की माने तो सैफ अली खान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अमृता ने सैफ से साल 2004 में तलाक ले लिया था, जबकि 2005 में दिए एक इंटरव्यू में सैफ ने कहा था कि अमृता मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वह हमेशा मुझे ताने और गालियां देती थी। मैंने उससे काफी दिनों तक झेला, लेकिन जब बात बर्दाश्त से आगे निकल गई तो मैंने उसे तलाक दे दिया। सैफ ने इस इंटरव्यू में कहा था, मुझे अमृता को 5 करोड़ रुपए देने थे, इसमें से 2.5 करोड़ मैं दे चुका हूँ। इसके अलावा मैं 1 लाख रुपए प्रति महीने की राशि अलग से दे रहा हूँ, तब तक जब तक कि बेटा इब्राहिम 18 साल का नहीं हो जाता। उन्होंने कहा था कि उनकी कमाई भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन वे मरते दम तक अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं और उनके लिए पैसे दे सकते हैं। सैफ को इस बात का बेहद दुख था कि उनके बच्चे अमृता के पेरेंट्स और नौकरों के साथ रह रहे हैं, जबकि अमृता टीवी सीरियल करने में बिजी है। उनके मुताबिक अमृता को ऐसा करने की क्या जरूरत है।